Assalamualaikum जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई अभी बज गए 11:30 सुबह के और आपका भाई हो गया रेडी। रेडी क्या हो गया भाई? अभी हमने आज हमारा सबसे पहले आज सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। पहला रोजा है आपके भाई का आज। आज हमारा हमारा यहाँ पे पहला रोजा है। पाकिस्तान में कल होगा आपका रोजा, जो मुझे यहाँ से देख रहे हैं आपका। पता नहीं आपका कहाँ होगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो भाई काफी अरसे के बाद हम फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। हमारा बस आज का व्लॉगिंग ऐसे ही हो रही है। दूसरे चैनल पे टाइम ज्यादा दे रहा हूँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता हूँ। डेली व्लॉगिंग थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी तबीयत अपसेट, आपको पता काफी अरसे से। अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी अगेन ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवलिंग कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। तो लेट्स सी क्या सीन है क्या नहीं है। अच्छा भाई, आज का जो प्लान है हमारा, आज हमारा पहला रोजा है और आज हमने करनी है अफ्तारी की तैयारी। तो अफ्तारी में हमने बहुत कुछ नहीं खाना और सबसे पहले हम निकलते हैं ऑफिस के लिए। मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कुछ क्लाइंट्स आए हुए हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से पहले निकलते हैं ऑफिस के लिए। आज तो वैसे मौसम ही बड़ा जबरदस्त है, काफी दिनों से बारिशें हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। आज मौसम प्लेजेंट है, मजेदार है। आज तो पहला रोजा है, पहला रोजा देखिए अब कैसा गुजरता है। पहला रोजा तो बेहतर खुशी के साथ अच्छा गुजर जाता है, बाद वाले रोजे थोड़े टफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। अभी मौसम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ी गर्मी होना शुरू हो जाएगी, तो फिर जो है ना रोज़ा भी लगना शुरू हो जाएगा। बाहर निकलेंगे प्यास लगेगी। पुर्तगाल का जो वेदर है आपको पता है, यहाँ पे थोड़ी गर्मी होती है, थोड़ा पाकिस्तान जैसा वेदर है। खैर पाकिस्तान जैसी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी नहीं होती, लेकिन वेदर वैसा ही मिलता जुलता ही है। तो इसलिए जब फिर बाहर निकलेंगे तो फिर हमें प्यास भी लगेगी, फिर रोज़ा भी लगेगा। ये फैक्ट्स तो भाई है। पाकिस्तान में बैठे लोगों को ये हमारे जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इंडिया बांग्लादेश नेपाल से मुझे देखते हैं, उनको शायद ये लगता है कि बाहर के जो फास्टिंग करते हैं, रोज़े होते हैं, ये बड़े आसान हैं, ठंडे मुल्क हैं जी, वहाँ पे प्यास नहीं लगती, बड़े मज़े के रोज़े गुजरते हैं। भाई यहाँ पे हार्ड होते हैं, जब यहाँ पे मजदूरी करनी पड़ रही ना 8 घंटे, तो आपको लग पता जाता है यूरोप में जो वर्क है, जो काम है, वो 8 घंटे का, मतलब 8 घंटे पाकिस्तान जैसा काम नहीं है कि हम बैठ गए हैं, हम पानी पीने के लिए बैठ गए, ये करने के लिए बैठ गए और सांस ले लिया, थक गए। यहाँ पे नहीं, ऐसा सीन होता, ब्रेक पे ये जो करना है आपने करना है, अदरवाइज आपने जब वर्किंग आवर है, वर्किंग आवर में आपने अपनी ड्यूटी पूरी देनी है। तो यहाँ पे भाई बड़ी टफ लाइफ है, इतनी इजी लाइफ नहीं है। फिर आपको सुबह उठ के मॉर्निंग में, अगर आपकी 8 घंटे ड्यूटी है, तो आप अगर दूसरे शहर रह रहे हैं या दूसरे जगह पर रह रहे हैं, तो फिर ट्रैवल करके भी लोकल आपको जाना आना, तो लग पता जाता है। अभी टाइम हो गया 5:30, अभी ऑफिस से निकला हूँ, थक गया हूँ, गला सूख गया है बोल के। काफ़ी लोगों और देशी अपने एशियंस के साथ तो आपको पता है दिमाग पाई करना बहुत पड़ती है, उनको एक्सप्लेन करना चीज़, और आपका भाई वैसे भी बड़ा डीपली एक्सप्लेन करता है। तो अभी मुझे लग रहा है रोज़ा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इस तरफ, मार्केट से हमने लेना है सामान, तो कुछ फ्रूट्स हैं। रोज़े में फ्रूट तो खाने, विटामिन तो चाहिए भाई आपको, फ्रूट शूट सेहत का तो ख्याल रखना है। माशाल्लाह आगे सेहत अच्छी हो गई है, तो अब और भी अभी सेहत को थोड़ा कम करना है हमने। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, यहाँ से कुछ ग्रोसरी करनी है और फिर जाके अफ्तारी की तैयारी भी करनी है हमने। ये भी ले लें, एक ये वाला उठा ले मेरे ख्याल से, ये वाला ठीक है। विच वन इज बेटर, दिस वन और दिस वन? दिस इज फाइन, दिस इज मेलन, दिस इज आल्सो मेलोवा, मेलोवा ये वाला ठीक है। टमाटर है, टमाटर भी ले ले, वो वाले ले, उसमें डाले 4-5।
You try one time. The bread. सीन ऐसा भाई कि बैटरी डेड हो गई थी और सामान बहुत ज़्यादा, अफ्तारी का टाइम भी हो गया, अभी कुछ रेडीमेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये चल रहा है हमारा सिस्टम। तो अभी जो कुछ रेडीमेड चीज़ें हैं वही हम जल्दी जल्दी से, 5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट में रेडी करके तो करते हैं अफ्तारी। ऑलिव्स में ले आया था, ये क्रीमी पास्ता वहाँ से हम रेडीमेड लिया था, मुझे पता था हम लेट हो जाएंगे तो हमें जो है इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फटाफट से मैं ज़रा जो चीज़ें बनाने वाली हूँ बना ले, 5 मिनट रह गए तो उसके बाद भाई अफ्तारी करनी है। सो भाई ये है हमारी क्विक सी जो है वो अफ्तारी, नान हमें वहाँ से मिल गए थे डिस्पोजेबल, हमने गर्म किए हैं, खजूर हैं, संतरे हैं, ऑलिव्स हैं, ये वेजिटेरियन मीट बॉल्स हैं, पास्ता हम ले आए हैं, चिकन हमारा बना हुआ था, ये तरबूज हमने खा लिया, दही है। तो ये रे भाई हम, और अभी भी 2 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट में इतनी फटोफट हमने तैयारी कर ली है, देखिए कितनी स्पीटिंग होती है हमारी। यूरोप में बंदा जो ना ये काम सीख जाता है कि ऐसे ऐसे काम करता है ऐसे ऐसे, तो 2 मिनट तो पास करने हैं। अफ्तारी के बाद भाई सुस्ती तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अभी मैं बाहर से वॉक करके आया हूँ, वॉक करने के बाद अभी हमने क्या करना है, हमने पीनी है ये ग्रीन टी, ये पूरी ग्रीन टी है, कौन सी टी है, तिलिया, ये पीते हैं थोड़ी सी, फिर उसके बाद हमने व्लॉग को एडिट करना है, पोस्ट करना है, दूसरे चैनल के ऊपर है, दूसरे चैनल्स के भी लिंक्स हैं, दूसरा चैनल एक और भाई का वीज़ा वाली सरकार, वो भी हमने एक चैनल स्टार्ट कर दिया है, उस पर भी 5000 फॉलोवर हो गए हैं, वहाँ पर भी अपने सपोर्ट करनी है, शिवाच मामा उसको तो आपको ऑलरेडी पता है। तो बस यहीं पे वीडियो को भी हम ख़त्म करते हैं, अभी हम अपनी ग्रीन टी इन्जॉय कर लें, थोड़ा खाना डाइजेस्ट कर लें, भी थोड़ा काम करें, भी थोड़ा सो जाएं, क्योंकि कल भी मैं सही राजा उतार रहा हूँ, सैरी करके सोया हूँ, फिर सुबह जल्दी उठ कर लोगों को कॉल, ऑफिस जाना था, अभी सोने का टाइम है। तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट लाजमी कर दीजिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए व्लॉग के साथ जी, अल्लाह हाफिज़।